so basically when we look at the difference between the external sources of finance and the internal sources of finance we have this major difference that if we are going to generate some funds using the internal sources of that firm the, the finance will be known as the, the something that has been driven from the internal sources and if you look at the example so if you are going to sell the stock और द आउटपुट विच यू हैव प्रोड्यूस्ड या कोई भी आपके जो फिक्स एसेट्स हैं उनको आपने बेचा है या आपके पास कोई एक्स्ट्रा जमीन पड़ी थी या आपके कोई एक्विपमेंट पुराना हो गया आपने उसको अगर मार्केट में बेच दिया है तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होने वाली है या इनकम जो जनरेट होने वाली है दैट विल बी कैटेगराइज एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फंड एंड देन देर कुड बी रिटेन अर्निंग एंड इफ देर इज समर्ट ऑफ डेट कलेक्शन दिस कैन बी कैटेगराइज एज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस now, if we look at the external source of finance, it is basically the finance or the different types of funds which you are going to generate from the sources that are external to that business entity. akif firm, finances generate, we call them as the external sources of finance. it can be any form of capital. and, for example, we can say that, इफ़ वी आर टेकिंग एनी लोन फ्राम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपने कोई बैंक से कोई लोन लिया है तो इसका मतलब है कि जो फाइनेंस हैं वो बिजनेस से जनरेट नहीं हो रहे वो कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से लिए गए हैं सिमिलरली वी कैन हैव वी कैन हैव सम फंड जनरेटेड फ्राम द प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट्स या आपने लीज फाइनेंसिंग की है और वी कैन गो फॉर द कमर्शल पेपर वी कैन गो फॉर ट्रेड क्रेडिट कि आपने बिजनेस करने के लिए कोई क्रेडिट लिया है बैंक से तो दीज आर वेरियस फॉर्म्स और दीज आर ऑफ फाइनेंस। सो कोई भी फर्म अपने रन करने के लिए डिपेंड करती है इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर और एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन द टू एज कि अगर फर्म खुद से जनरेट करिए कोई भी फंडस अपने इंटरनल रिसोर्सिस को इस्तेमाल करते हुए तो इसका मतलब है यानी कि आपने उस उसका पैदा हुआ हुआ फॉर्म का पैदा हुआ हुआ कोई सामान बेचा है या उसके कोई फिक्स्ड एसेट्स थी उनको आपने बेच दिया है उससे जो फंड जनरेट हुई है दैट विल बी नोन एज द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड इफ़ यू हैव बोरोड सम मनी लीज फाइनेंसिंग की आपने तो फिर वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेज कहलाते हैं